नमस्कार दोस्तों, जुगल किशोर रघुवंशी, सिवनीवालवा। ये सिवनीवालवा तहसील में आज जो बीमारी सोयाबीन पे आई है उसका आप असर देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सोयाबीन पीला नज़र आएगा। तो ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक स्थिति में आया है और फूल के टाइम ही आया, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। और ये 95-60 वेराइटी जो है सोयाबीन की उस पर ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो वही वेराइटी मैंने भी अपने खेत में बोई है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि वही वेराइटी मैंने बोई है। तो हमारे यहाँ मैंने MI लाइफ स्टाइल के कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था, जिसमें MI स्प्रे, वायरस और भूअस्त्रा। तो इन दवाइयों का जब उपयोग किया तो आज भी इस बीमारी से सोयाबीन लड़ रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि 5% पत्ते आपको पीले नज़र आ रहे होंगे, बाकी सोयाबीन अभी भी वही वेराइटी, सेम वेराइटी, ये भी 95-60 है। मगर ये साइड वाले जो खेत की स्थिति है, ये स्थिति आप देखिए, ये स्थिति देखिए, और वही साइड में वही वेराइटी है, ये इसमें सोयाबीन की स्थिति देखिए। तो आप, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वायरस जो है और MI स्प्रे के साथ इसका यदि छिड़काव होता है फूल से पहले तो ये बहुत असरकारक है और किसानों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। मगर पंपल जैसा इसका स्प्रे होना चाहिए कि फूल से पहले एक बार इस वायरस और MI स्प्रे का उपयोग करता है किसान, तो ये बीमारी से कुछ हद तक तो हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि यदि 15 दिन में यदि स्प्रे होता रहे तो ये बीमारी आ नहीं सकती। अभी इसमें दोबारा स्प्रे की ज़रूरत है, मगर फ़िलहाल तो अभी कुछ शार्टेक्स है तो दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। बाकी यदि मिलेगी तो और एक डालने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं